इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री ने आज नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर संवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान क्लियर मैसेज दिया कि कोरोना की तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, लोगों की लापरवाही से ही आएगी। पीएम ने हर हाल में प्रोटोकॉल के पालन की नसीहत दी। मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे माफिया मुख्तार अंसारी से क्यों पूछताछ करेगा ईडी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।